जा सकती। मैं अपने आप को आपसे दूर नहीं कर सकती, आई नहीं कर सकती मैं। लेकिन तेरी अपनी जिंदगी है गौरी, और तू आई। इतने सालों तक मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि आप मेरी आई है। बस आता बस झाला आई, खूब झाला। अब मेरी बारी है, मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की, आपका साथ देने की, क्योंकि मैं भी आप ही की बेटी हूं ना, और मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। और मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है कि मैं अपने आई के साथ रहूं। तो बस अब मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। प्रतीक्षा ही, मैं भी यही चाहता हूं कि गौरी आपके पास आपके साथ रहे। ये फैसला जितना गौरी का है उतना मेरा। वहां अश्विनी और प्रताप जी। एक मिनट, आशु, आशु सिद्धार्थ का फोन है। हेलो, प्रतीक्षा ही आपसे बात करना चाहती है। हेलो प्रतीक्षा भाई, नहीं कैसे आप? यहां की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गौरी पहले आपकी बेटी है, और इस वक्त आपको उसकी जरूरत है, उसे आपकी फर्ज बनता है उसका। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं फोन रखता हूं, अपना ख्याल रखिए, और गौरी का भी प्लीज। और ये वापस लौट कर नहीं आएगी, उसे उसकी आई मिल गई। शायद अपना सफर यहीं तक का था, साथ यहीं तक का। नहीं पता, गौरी हमारी बेटी है, हमने उसे पाला पोसा, आप देख लेना गौरी हमें नहीं भूलेगी, वो आएगी, अपने बाबा और मम्मा के पास आएगी, देख लेना आप। सिद्धार्थ, डैड वो मैं। रिलैक्स माय सन, रिलैक्स। प्रताप और अश्विनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। डैड मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? I hope I've done the right thing. मैं सही हूं ना? Absolutely.
मुझे तुम पर और तुम्हारे फैसले पर नाज है। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। तुम्हें याद है सिद्धार्थ, मैं तुमसे यही कहा करता था कि तुम कभी भी एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हमेशा अपने दिल की आवाज सुनते हो, अपने दिमाग से कभी नहीं सोचते। लेकिन आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं माय सन, यू आर ए वेरी नाइस पर्सन। सीमा को और मुझे तुम पर बहुत नाज है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू माय सन। आपने तो इमोशनल कर दिया। You know what, Dad? It's all because of you. अगर आप मुझे नहीं समझाते ना तो शायद मैं आज गौरी के पास नहीं आता। According to me, आपके पास दिल भी है और दिमाग भी। आज मुझे लगता है Dad, कि मैं मॉम वाली कपूर विद द यू वाली फैमिली को बिलोंग करता हूं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि उस फैमिली का दिमाग के डिपार्टमेंट में हाथ में कमजोर है। मैं समझ सकता हूं सिद्धार्थ, इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि तुमने बहुत ही मुश्किल और अहम डिसीजन लिया। ओके माय सन, टेक केयर, लव यू, बाय। क्या बात है गौरी? आई, एक बात मानोगे आप? क्या आप मुझे अपने आप से मिलाओगे? पहचान कराओ ना मेरी अपनी आई से। कुछ भी तो नहीं जानती मैं आपके बारे में और ना ही पापा के बारे में, उन 2 सालों के बारे में जो मैंने यहां आपके साथ इस वाड़ी में बिताए। बताइए ना आई। बहुत बहुत शरारती थी तुम बचपन में, और तुम्हारी हंसने की आवाज पूरी वाड़ी में गूंजती थी। और आदत याद है मुझे तुम्हारी जो आज तक नहीं गई। जब से तुमने बोलना शुरू किया ना, तब से तुम सवाल बहुत पूछती थी। और आई, बाबा के बारे में बताइए ना, कुछ तो बताइए बाबा के बारे में। तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत ताकत थी उनकी कलम में, और एक मिनट, राजेंद्र को पता नहीं क्यों
पूरा विश्वास था कि हमारी हमारी बेटी ही होगी, इसलिए उन्होंने नाम भी सोच के रखा था गौरी। आई बस आज के लिए बस इतना ही। गौरी मैं जानता हूं यह सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, यहां इन लोगों के बीच रहना। आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, सिद्धार्थ हम जानते हैं कि आपने कुछ खाया नहीं होगा। नहीं तो जी, I'm fine. भूख ही नहीं लगी। आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सिद्धार्थ नाज है हमें आप पर, आपके उस फैसले पर जो आपने गौरी के खातिर किया है, उसके आई के खातिर किया है, उसकी खुशियों के खातिर किया है, हम जानते हैं ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, ना ही आपके लिए और ना गौरी के लिए। सिद्धार्थ बहुत भाग्यशाली है हमारी गौरी, जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला। बस इसी तरह अपनी गौरी का साथ देते रहिएगा। अरे अतुआ जी, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओ मेरी अतुआ जी, I hate tears रे, I hate tears. सिद्धार्थ बेटा कुछ खा लीजिए। जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।